तो गाइज आज मैं जा रही हूँ सरोजनी नगर के लिए। मैंने सोचा आज आप सबके साथ में ना सरोजनी का कलेक्शन शेयर करती हूँ कि क्या क्या आ गया है सरोजनी नगर मार्केट में। तो गाइज ये देखो, ये 60 रुपये के, 30 रुपये के, इतने बड़े बड़े यार इयररिंग्स बहुत ही प्यारे मिल रहे थे। और 400 रुपये की, 399 की सेल लगी हुई थी कॉटन की साड़ियाँ, प्योर कॉटन है यार, बहुत ही प्यारी प्यारी साड़ियाँ थी। और ये पर्स है 299 रुपीज़ की सेल, यार कितने मस्त पर्स लग रहे थे, बहुत अच्छी आज सेल थी। और ये देखो मैं अंदर का कलेक्शन इनका दिखा देती हूँ आप सबको। और ये जो बेबी के कपड़े भी काफ़ी प्यारे प्यारे मिल रहे थे, आप लोग देख सकते हैं। राम राम जी। तो मैं जा रही हूँ आज सरोजनी नगर मार्केट आप सबको लेके। और इतनी तेज वाली धूप पड़ रही है ना यार, दिमाग ख़राब हो गया निकल के। फिर मैंने रखा सर पे अपना दुपट्टा कि शायद मुझे थोड़ा सा बचा ले। और इतनी यार गरम गरम हवा, सच में बोल रही हूँ बाहर ना ही निकलो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट क्या करें यार, मन मानता नहीं है ना कि बहुत टाइम हो गया और कुछ तो ख़रीदना ही था। तो मेरी जो दोस्त है बेस्टी, वो बोल रही थी कि चल नेहा चलते हैं, मैंने बोला चल चलते हैं। तो फाइनली ये आ गई है, देखो चम्मक चलो मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरा जिगर का टुकड़ा। तो ये लेके आई थी मेरे लिए खाने के लिए, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत तेज़ भूख। और ये लेके आई है, देखो जो चीज़ें मैं नहीं खाती हूँ ना वही सारी चीज़ें ये लेके आई थी मेरे लिए, नमक वाले बिस्किट और दूसरा ये नमकीन लेके आई थी। हाँ ये थोड़ी सी ठीक लग रही थी मुझे, पर पता है आप सबको कि मैं ये सब चीज़ें कम खाती हूँ। तो हम लोगों ने खाया मेट्रो में। और देखो मेरा कितना ज़्यादा ध्यान रखती है, मेरे को देख के बोलती है कि तू अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि तूने इयररिंग्स नहीं पहने। तो मेरे लिए लेके आई इयररिंग्स, बोलती है अब जल्दी से पहले इन्हें डाल तब वीडियो शूट करियो। तो मैंने बोला ठीक है मैं डाल लेती हूँ। और फिर मैंने अपने कानों में ये इयररिंग्स पहन लिए। फिर हम पहुँच गए मार्केट में। जैसे ही हम एंटर किए गेट पे, तो ये देखिए यहाँ पे 30 रुपीज़ 50 रुपीज़ सेल लगी हुई थी इयररिंग्स की, आप इनमें से कोई भी कल देख सकते हैं। एंड उसी के आगे देखो गेट के जस्ट आगे यहाँ पर ही भैया ने सेल लगाई हुई थी 60 रुपये 100 रुपये, काफ़ी अच्छी थी सर देखने में और बहुत ही प्यारा कलेक्शन था इनके पास भी। बट ये सब मुझे नहीं चाहिए था। देखो ये 100 रुपये की सेल है, आप कोई भी ये झुमका स्टाइल कुछ भी ले सकते हैं इयररिंग्स में, सारे 100-100 की सेल है। काफ़ी ज़्यादा प्यारे प्यारे थे, आप पार्टी वियर शादी में भी पहन सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। फिर मुझे सबसे अच्छे यहाँ पे लगे, देखो भैया ने ना 30 रुपये की और 60 रुपये की सेल लगाई हुई थी, बड़े बड़े झुमके 60 रुपये में मिल रहे थे, बहुत ही प्यारे प्यारे। और यहाँ पर ये श्वेता को पसंद आया, ये 200 रुपये की, नहीं सॉरी 150 रुपये की सेल लगी हुई थी, उसके अंदर था ये। तो श्वेता को ये काफ़ी अच्छा लगा, बट मेरे पास इस टाइप का ही है तो कॉटन में है मेरे पास में, तो मैंने इसलिए नहीं लिया। 150 रुपीज़ की ये आप लोग देख सकते हैं। इस पर काफ़ी ज़्यादा ट्राउज़र्स थे, सब कुछ था इनके पास में, तो लोअर्स थे ट्राउज़र्स थे, सारा मिक्स था। तो हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे थे कि क्योंकि क्या होता है ना सेल में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मिल जाती हैं, जब आप चेक करोगे तो काफ़ी चीज़ें अच्छी निकल आती हैं। तो हम लोग वही चेक कर रहे थे और उसके बाद में ये आप देख सकते हैं। एंटर करने के बाद ही देखो, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप सरोजनी जा रहे हैं, इसलिए मैं कभी भी ना मार्केट या शॉप नंबर्स नहीं बताती हूँ, कभी कभी थोड़ा बहुत बता देती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं शेयर करती हूँ। ये है जो मॉल है ना, मॉल के जस्ट सामने वाली गली है ये, उस गली में ये था इनके पास में यार वुलन का कलेक्शन, क्योंकि मेरी जो श्वेता की जो रूममेट है उसको चाहिए था ब्लेज़र, तो उसके लिए हम लोग ब्लेज़र सर्च कर रहे थे कि कुछ हमें अच्छा मिल जाए। और ये ट्राउज़र इतना ज़्यादा पसंद आया ना हमें, 200 रुपये भैया ने बोला, तो हम बार्गेनिंग कर रहे थे क्योंकि पता है सेल लगी होती है ना उस पर भी बार्गेनिंग कर हुए ना, तो क्योंकि एक था 150 रुपीज़ की सेल लगी हुई थी, बट हमने उसी को परचेज़ किया था 150 की सेल में 100 रुपीज़ का ले लिया, तो वहाँ पे भी बार्गेनिंग, तो हमने सोचा कि शायद हम बार्गेनिंग करेंगे तो ये कम कर लेगा, लेकिन भाई ये नहीं माना। बाद में मेरा इतना मन था, लेकिन यार थक जाते हैं ना जब पूरा मार्केट घूम लेते हैं, आप लोग यकीन नहीं करोगे हम 1 घंटे तक घूमते रहे मार्केट में। बट हमने सोच रखा था कि पहले हम पूरा मार्केट घूमेंगे और हम जो चीज़ें हमें पसंद आएंगी सिर्फ हम वही ख़रीदने वाले हैं। तो हम वहाँ पर विज़िट कर रहे थे, और ये क्या था कि जो श्वेता की रूममेट है ना उसका साइज़ और मेरा साइज़, हम दोनों का सेम साइज़ है, तो मैं उसके लिए मतलब चेक कर रही थी पहन पहन के कि ऐसा ना हो कि हम उसके लिए बड़ा ले जाएं या छोटा ले जाएं। तो उसको जैसा चाहिए था उसने बता दिया था कि इतना लॉन्ग में चाहिए उसको, तो हम उसके लिए वही लॉन्ग में सर्च कर रहे थे और वीडियो कॉल पे वो देख रही थी मुझे। तो श्वेता ना वीडियो सारा मेरा बिगाड़ दे रही थी, वो इधर उधर, क्योंकि वो ना प्रॉपर उसको दिखा रही थी तो उसका मेरे वीडियो पर ध्यान नहीं था, तो यहाँ पर ना प्रॉपर नहीं आया है क्योंकि ये यहाँ पर कैमरा ना श्वेता के हाथ में था, वो दो फ़ोन थे उसके हाथ में, एक से वीडियो कॉल भी कर रही थी और दूसरे फ़ोन से वो दिखा रही थी। और यहाँ पर आप लोग देख 100-100 की इयररिंग्स तो इतने ज़्यादा मिल रहे थे ना, इयररिंग्स का कलेक्शन बहुत ज़्यादा था। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि वीकेंड पे ना ही जाओ तो अच्छा होगा, कोशिश करो कि वीकेंड पे ना जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि अधिकतर लोगों के पास वीकेंड ही होता है,
जैसे कि श्वेता के, श्वेता की वजह से मुझे भी वीकेंड पे ही जाना पड़ा, अदरवाइज़ आप नॉर्मल डेज पे जा सकते हो। यहाँ पे मुझे अपने मतलब मेरा जो भाई का जो बेटा है, मेरा भतीजा, उसके लिए मुझे कपड़े चाहिए थे। तो यहाँ छोटे बेबी के मैंने कपड़े देखे, यार इतना प्यारा का, ये देखो आपको भी लग रहा है ना अच्छा, बट मैंने इसीलिए नहीं लिया क्योंकि यार गर्मी है बहुत ज़्यादा और उसे चुभे ना, क्योंकि वो बहुत छोटा है अभी। तो मैंने सोचा अभी मैं ऐसा कुछ लेती हूँ जो कि उसको चुभे ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, तो मैंने सॉफ्ट में लिया। और इसीलिए मैंने इनको भैया को बोला नहीं, ये जो इसकी रेंज है मैं आपको बता देती हूँ, 900, 1200, 1100 ये रेंज है। मुझे पता है आप लोग बोलेंगे कि इतना ज़्यादा कॉस्टली, हाँ मतलब कॉस्टली तो है लेकिन बहुत अच्छा है यार। ये देखो साड़ियाँ यार, कितनी प्यारी प्यारी प्लेन साड़ियाँ। मुझे एक साड़ी इतनी अच्छी लगी ना, मतलब एक नहीं यार, मुझे 2-3 प्लेन साड़ियाँ इतनी अच्छी लगी और कॉस्ट थी उनकी 600 रुपये पर। श्वेता बोली बाद में लेंगे और फिर हम ले भी नहीं पाए। यहाँ पे ये अगेन सेल थी जो कि 399 रुपये की सेल थी, जो कि मुझे मतलब मैंने तो नहीं ली क्योंकि मैं कॉटन की साड़ियाँ पहनती नहीं हूँ, और मैं और श्वेता अधिकतर हम घूमने जाते हैं, मुझे और श्वेता को दोनों को ही साड़ी पहनने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो श्वेता ने ली कॉटन की साड़ियाँ, वो अपने घर के लिए ले रही थी तो यहाँ से उसने ली ये कॉटन की साड़ियाँ। काफ़ी अच्छी, मतलब पता है आप जब घूम के लेते हैं ना, जाते ही मत कुछ भी खरीदो, और नहीं मैं इसीलिए कोई भी शॉप सजेस्ट करूँगी। देखो बड़े बड़े शोरूम्स जो होते हैं ना, उनमें सेल लग जाती है जब एक एक आइटम बच जाता है, ठीक है, उनके कलर्स अवेलेबल नहीं होते हैं तो वो उसी चीज़ को वो ना कम रेट पे शो करते हैं अपने शोरूम के बाहर। तो आप लोग भी यहाँ से परचेज़ कर सकते हो, इसीलिए मैं कभी भी शॉप का नाम या नंबर नहीं बताती हूँ। मैं पहले पूरा घूमती हूँ सरोजनी में, और जहाँ मुझे लगता है वहाँ से खरीदते, जब पसंद आएगा। मतलब हमें 1-2 घंटे तक तो हमने कुछ ख़रीदा ही नहीं था, 1.5 घंटे तक तो हम बस घूम रहे थे। मैं कह रही थी मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद मैं आज कुछ भी बिना ख़रीदे चली जाऊँगी घर, पर क्या होता है ना कि जब आप सर्च करते हो ना प्रॉपर अच्छे तरीके से, तो आपको काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, जो कि मैं आपको ज़रूर बताऊँगी मैंने क्या क्या ख़रीदा। और ये देखो ये पर्स गाइस, यकीन नहीं करोगे, ये मुझे मिला 300 रुपये का, 299 रुपीज़ की सेल लगी हुई थी। इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है पर्स की 1600 रुपये है। और ये मुझे अब सस्ता क्यों मिला मैं रीज़न बता देती हूँ, क्योंकि ये क्या था, एक ही कलर बचा हुआ था, इसका कोई दूसरा कलर नहीं था, वाइट था, जिसकी वजह से धूल से हल्का सा उसका कलर ना, वो धूल की वजह से उसकी पट्टा जो होता है ना ऊपर वाला, वो थोड़ा सा गंदा हो रहा था, बस इसीलिए। तो भैया वही मेरे लिए साफ कर रहे थे उसको, और वो एकदम अच्छा हो गया। और ये श्वेता को ये वाला पर्स पसंद आया, इसकी भी कॉस्ट यही था कि सेल में लगा हुआ था, इसमें बस एक हल्का सा, इसमें एक पॉइंट के बराबर, मतलब एक छोटा सा पॉइंट बोल सकते हैं, वो थोड़ा सा हटा हुआ था जो ऊपर का इसका है, तो लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। भैया श्वेता को सजेस्ट कर रहे थे कि एक छोटा सा नेल पेंट इस पर वो पॉइंट कर सकते हो तो ये पर्स अच्छा लगेगा, मतलब अच्छा है। बट फिर हमने, श्वेता ने नहीं लिया कि, और यहाँ पर सेल भी लगी हुई थी स्लीपर्स की इसी शोरूम में। ये fashion.com नाम से है ये शोरूम, आप सर्च कर सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा स्लीपर्स की भी, इतनी प्यारी प्यारी स्लीपर्स थे ना बहुत, वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी यार। आपको पता है कि वीकेंड पे कितनी ज़्यादा भीड़ होती है, तो बस जहाँ भीड़ नहीं थी वहाँ वहाँ मैंने शूट कर लिया, और जहाँ पर भीड़ थी वहाँ मैंने शूट नहीं किया। ये देखो भैया का कलेक्शन, ये जो सामने पर्स देख रहे थे आप बड़े बड़े, ये थे 1200, 1300, 3000, मतलब उस इतनी रेंज के थे। और फिर हम निकले बाहर की साइड, और यहाँ पे भी काफ़ी सेल लगी हुई थी, मतलब ये सरोजनी के बाहर की तरफ को, तो 100-150 की 4 टी शर्ट, मतलब 100 की 4 टी शर्ट, इस तरीके की सेल थी। फिर हम गए बेबी के लिए, कपड़े हम ढूंढ रहे थे क्योंकि मुझे सॉफ्ट कपड़े चाहिए थे बेबी के लिए, लेकिन यहाँ पे अगेन श्वेता को क्या हुआ, साड़ी पसंद आ गई। गाइज बार्गेनिंग करना बिल्कुल भी मत भूलना अगर आप सरोजनी जा रहे हैं तो, पता है जो फिक्स प्राइस वो बोलते हैं ना उस पे भी वो बार्गेनिंग करो ना तो वो कम कर देते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ आप सबको। श्वेता ने जो साड़ी जो वाइट कलर की थी ना, वो भैया ने हमें बोली थी 2500 रुपये की, वो बोलते हैं इसका प्राइस 3500 था आप बाहर से आए, बट वो गलत लड़के ने बता दिया 2500, इसीलिए मैं आपको 2500 बोल रहा हूँ। श्वेता ने बोला नहीं, श्वेता ने 1800 बोला उसका, और वो 1800 बहुत देर बाद वो 1800 में मान गया जब हम जाने लगे तो। तो श्वेता कहने लगी मैंने गलत बोल दिया यार, मुझे और कम, ये जो हमारे हाथ में साड़ी लग रही है हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी कॉस्ट, ये प्योर बनारसी साड़ी है सिल्क, तो ये हमने यहाँ से परचेज़ की। गाइज आई होप आपको